ये मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन है और ये मशीन मैंने 2007 में इसको इन्वेंट किया है और इस मशीन से जो हमको फायदा मिला कि हम इसमें टमाटर से टमाटो केचप, चिली से चिली सॉस और इसमें जिंजर की कटिंग कर सकते हैं, जिंजर वॉश कर सकते हैं, जिंजर का और टर्मरिक की छिलाई कर सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। इसमें सभी फलों के बिना बीज थोड़े जूस निकाल सकते हैं, एक घंटे में 40 किलो निकालती है ये, और फलों के जूस से कोल्ड ड्रिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं या फलों के जूस को जैम में, टॉफी में या आइसक्रीम साइड में हम बेच सकते हैं। तो इसी में हम लोग तुलसी वाटर हो गया, जिंजर वाटर हो गया, जिंजर ऑयल हो गया, टर्मरिक ऑयल हो गया, जिसको हम फार्मा कंपनियों को भी सेल कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट भी बना करके बेच सकते हैं। कोई भी हर्बल है, जड़ी बूटी है, उसके ये जूस भी बनाएगी और यही मशीन हर्बल की पेस्ट भी बनाएगी और ये पकाएगी भी, उससे प्रोडक्ट जलेगा नहीं इसमें पकाया हुआ, और चलने में आसान है, चाहे सोलर से चलाएं चाहे बिजली से चलाएं। और इसमें छोटी मशीन भी है, बड़ी मशीन भी है। इस मशीन के ऊपर मुझे हमारे NIFF ने नेशनल अवार्ड भी दिलाया मुझे, और अब ये मशीन हमारे गांव में हम लोग बना रहे हैं और इसी मशीन को हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर के कंट्रियों में, न्यूयॉर्क में जा रही है, USA में, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका देशों में ये मशीन जा रही है। अब मुझे मौका मिला नॉर्थ ईस्ट में आने का, पहले भी यहाँ नॉर्थ ईस्ट में मशीनें लगी हैं 2-3, लेकिन अब सेल्को फाउंडेशन ने मुझे यहाँ बुलाया है और यहाँ पर जो ये अपने ग्रामीण भाई बहन हैं, छोटे छोटे फार्मर हैं, तो मैंने सोचा भी मैं उनके लिए एक छोटी मशीन लेके जाऊँ, लेकिन ये छोटी देखने में है लेकिन इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और यहाँ से मुझे लग भी रहा है कि भी अच्छा मेरा बिजनेस, यहाँ से काफ़ी मशीनें यहाँ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि इस मशीन में जिंजर ऑयल और ये आपका टर्मरिक ऑयल और मिंट ऑयल, तुलसी ऑयल, यहाँ तुलसी बहुत खड़ी है जंगलों में, मैरीगोल्ड काफ़ी है यहाँ पर, वाइल्ड मैरीगोल्ड, तो ये परफ्यूम्स वगैरह भी हम लोग इससे यहाँ के किसान भाई बहन बनाएंगे और इसमें गार्लिक डालेंगे, गार्लिक ब्लैक हो जाएगी। इसमें 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने फार्म पे आदमी बना सकता है, बहनें बना सकती हैं, क्योंकि जो जिंजर को हाथ से छीलते हैं, धोते हैं, काफ़ी टाइम लगता है और ये मिनटों में छील देती है और मिनटों में कटिंग करती है। और अनार है, अनार का जूस निकालेंगे, अनार का बीज नहीं टूटेगा, एक घंटे में 40 किलो अनार का जूस निकल जाएगा और उससे 20 किलो बीज बच गया, उससे हम रोस्टेड करके और प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के और मैं चाहूँगा भविष्य में भी, अच्छी बात है कि लोग स्वावलंबी बने और आज छोटे गृह उद्योग उनके घर में होंगे, कल को उनकी बड़ी कंपनियाँ खड़ी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और वो लोग इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ जाएंगे, क्योंकि मशीन के बनाए हुए उत्पाद एकदम प्योर हैं, नेचुरल हैं और इन्वायरमेंट फ्री हैं और इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है और लगभग यहाँ ऑर्गेनिक क्षेत्र ज़्यादा हैं, तो उससे भी इन लोगों को बड़ी मांग आएगी। और यहाँ जड़ी बूटियों का ये भंडार है और जड़ी बूटियों के जैसे आपका बिच्छू काटा है, बिच्छू काटा का सूप भी आप इससे बना सकते हैं, गार्लिक के आप इससे काफ़ी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, जय हिंद।